पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ वाग्देवताय श्री सरस्वत्यै चरणे कमले चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। ओम मंगले मूर्तये हनुमते नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको जग जानी।
Oh.
श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री राधे राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमंत लाल की समस्त संत समाज की समस्त भक्त समाज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परम कृपालु, परम दयालु, अकारण करुणा वरुणालय, नंद नंदन राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी भास्वती अनुकंपा को प्राप्त कर श्री हनुमंत लाल की पावन छत्र छाया में सद्गुरुदेव भगवान के वात्सल्य भरे स्नेहिल सानिध्य में हम श्रोता वक्ता अपने जीवन सार सर्वस्व भक्तवांछा कल्पतरो श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भक्त और चंदन भगवान श्री सीता राघव के मंगलमय चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। राधा माधव के अनेकानेक रूपों में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को यह व्यासपीठ सादर वंदन करता है। उपस्थित समस्त विप्र समाज, विद्वत समाज एवं संत समाज के मंगलमय चरण कमलों में व्यासपीठ सादर वंदन करता है और सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति, रति और गति, यह तीनों हमारे गोविंद के मंगलमय श्री चरण कमलों में बनी रहे। आइए हम सभी लोग चलें अपने परम प्रियतम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेम करने के लिए, गाते हुए झूमते हुए अपने इस मानस यात्रा को आगे बढ़ावें। सभी लोग हमारे साथ मिलकर के झूमते हुए चलने का प्रयास करें। राम भक्ति मणि और बस जाके, स्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर हमारे आपको एक उपदेश कर रहे हैं और हम संसार वासियों को उपदेश करना
एक संत का ही काम है प्यारे। संत वही उपदेश कर सकता है जो खुद अपने जीवन में उसको निर्वाह करे। हमने तो संतों से सुना है, गोस्वामी जी किसी श्रोता को कथा नहीं सुना रहे हैं। किसको कथा सुना रहे हैं? अपने मन को कथा सुना रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मन सुन, क्या सुन? हरी कथा सुन। इस मन में, इस हृदय में हमारे परम कृपालु परम दयालु ठाकुर जी आकर के बस जाएं, बस यही इस मन का, यही इस हृदय का मुख्य लक्ष्य है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मौसम दीन ने दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवीर, हरहु विषम भवीर। अपने इस विषम परिस्थिति को यदि सुगम करना है तो भक्ति करो। मेरा मन कहाँ कहाँ फंसा रहता है प्यारे, विचार करो। इस मन को यदि आनंद देना है तो आनंद स्वरूप भगवान श्री राम जी से प्रेम कर लो, जो आनंद के समुद्र हैं, जो प्यार के समुद्र हैं, जो मर्यादा के समुद्र हैं, जो सुख के समुद्र हैं, जो शांति के समुद्र हैं, ऐसे राम जी से प्रेम कर लो प्यारे। ऐ मेरे प्यारे मन तू कहाँ भटक रहा है? माधव के चरणों में यदि प्रेम करना है तो अपने मन को कथा सुनाओ। किसकी कथा? राम जी की कथा सुनाओ। अभी तो हम यहाँ पर 9 दिनों तक आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन 9 दिन के पश्चात कथा कौन सुनाएगा महाराज जी? तो चिंता मत करो, अपने मुखारविंद से बोलो, अपने मुख से बोलो। क्या बोलो? ऐ मेरे प्यारे मुख तू कर क्या रहा है? संसार में भटक रहा है, संसार की बड़ाई कर रहा है, संसार की बुराई कर रहा है। आजा, क्या कर? रामचरितमानस का पाठ कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर, गुरु मंत्र का जाप कर, अपने मुख से अपने कानों को सुनाओ, अपने मन को सुनाओ। जिसके मन में माधव आकर के बस जाएंगे उसका मन वृंदावन हो जाता है। जिसके हृदय में राम जी आकर के बस जाएंगे उसका हृदय श्री अयोध्या धाम बन जाता है प्यारे। यह मन भगवान की भक्ति करे, यह मन भगवान से प्रेम करे, बस यही इस मानव जीवन के मन का परम उद्देश्य है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्तुति। मन इतना प्रेम करे, मन इतना प्रेम करे कि अंत समय में मुझे मेरे माधव का सुमिरन हो जावे, मेरे श्याम सुंदर का सुमिरन हो जावे। और जब अंत समय में माधव का सुमिरन होगा, हमारे श्याम सुंदर का सुमिरन होगा, हमारे श्री राम जी का सुमिरन होगा, तो मालूम है क्या होगा? अंत मति सा गति। अंत में जैसी मति होगी वैसी ही हमें गति मिलती है। तो जब हमारा मन माधव को याद करते करते अपने इस शरीर को
छोड़ेगा तो मालूम है मुझे मेरे माधव के प्रेम को, मुझे मेरे माधव के वैकुंठ धाम को, मुझे मेरे कन्हैया के गोकुल धाम को मैं खुद चल करके प्राप्त हो जाऊंगा। जहां पर कन्हैया विराजमान रहते हैं, जहां पर राम जी विराजमान रहते हैं। तो ठाकुर से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अंत समय में मुझे संसार नहीं बल्कि श्याम सुंदर याद आ जावे। यही समस्त कर्मों का फल है प्यारे। चाहे आप पति की सेवा करो, चाहे आप सासू माँ की सेवा करो, चाहे आप भगवान की सेवा करो जी, चाहे आप कन्हैया की सेवा करो, चाहे आप राम जी की सेवा करो, चाहे आप गुरु जी की सेवा करो, सभी कर्मों का फल केवल यही है कि राम जी से प्रेम हो जाए। बस सब कर फले हरि भगति सुहाई। समस्त कर्मों का फल क्या है? हरि भक्ति, भगवान की भक्ति। विचार करो, क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं? विचार करना प्यारे, भगवान से प्रेम कौन करता है? जिसको भगवान चाहते हैं। आपका पति आपसे प्रेम कब करता है? जब आप अपने पति से प्रेम करते हो, तब पति भी चाहेगा तब प्रेम करेगा। संत बन जाओ, भक्त बन जाओ। हम लोग प्रयास तो करते हैं कि भगवान से प्रेम करें, भगवान से लगाव करें, जुड़ाव हो हमारा, लेकिन क्या हो पाता है? बोलो, क्या हमारा मन माधव से जुड़ पाता है? महाराज 3 घंटे तक तो जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ये 3 घंटे की कथा पूरी होती है महाराज, फिर हमारा मन माधव से नहीं, श्याम सुंदर से नहीं, फिर तो संसार से जुड़ जाता है महाराज। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे पति, मेरा घर, मेरा बंगला है। माधव से प्रेम कब होगा? कन्हैया की कृपा कब मिलेगी प्यारे? विचार करो, हमने आंगन नहीं बुहारा है। अपने चंचल मन को सुधारो प्यारे। भगवान कहते हैं, ऐ प्यारे, ऐ संसार वासियों, यदि हमें प्राप्त करना है तो ध्यान दो, क्या मुझे क्या पसंद है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मैल जमा हुआ है। ये मन एक दर्पण है प्यारे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा आपका जो मन है ना, ये एक दर्पण है, और इस दर्पण में आप चाहो तो संसार का दर्शन करो, और आप चाहो तो श्याम सुंदर का दर्शन करो। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किसका दर्शन करना चाहते हैं ये आप विचार करो। इस मन रूपी दर्पण में यदि धूल जमा होगा तो चेहरा दिख पाएगा? बोलो, आप जो शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो, उस पर धूल लगा हुआ है, तो अपना चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उसको साफ करो प्यारे। कैसे साफ करोगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को सुधारो प्यारे। मन को साफ करो। साफ करोगे? विचार करो प्यारे, भगवान कब आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन
को नहीं सवाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तुम्हें आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, दे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, दे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ बोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, जी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, जी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, करुणा की धारा, है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आए नहीं सहारा, चंचल मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, कोने कलमती असान की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, मन रूपी आंगन अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौ
हमारा अंधियारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मिले आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। जो मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक राम जी आगे घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। सूर शाम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते, सूर शाम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं बिचारा, इस पर तुमने नहीं बिचारा, इस पर तुमने नहीं बिचारा, इस पर तुमने नहीं बिचारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, भक्तवत्सल भगवान की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तो कैसे आएंगे भगवान। हम लोग विचार करें प्यारे, स्थिर मन से अपने घर में हम सभी लोग रहते हैं, तो प्रातः काल उठ करके घर की सफाई करते हो कि नहीं? सब करते हैं। क्यों? हो सकता हो दोपहर में या शाम को कोई यदि हमारे घर आ गया तो क्या सोचेगा, अरे इसका घर इतना गंदा है और गंदे घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं आवेगा, कोई भी सगा संबंधी नहीं आवेगा, कोई भी अपना इष्ट मित्र भी नहीं आता है। तो जब एक साधारण से इंसान का यह धर्म है कि वह गंदे घर में न तो आता है, और मान लो आ भी गया, मान लीजिए आपके प्यार के कारण वह आपके गंदे घर में आ भी गया, वहां से दुर्गंध आ रही है, तो आकर के बैठ तो जाएगा क्योंकि आपका व्यवहार है, लेकिन जैसे ही 5-10 मिनट होगा तुरंत नाक बंद करना शुरू कर लेगा, हैं? और क्या सोचेगा कि कितने जल्दी हम यहां से चले जाएं, भाग जाएं। तो जब एक साधारण इंसान ऐसा करता है तो भगवान, आहा, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्यारे, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, ऐसे भगवान, ऐसे परम पिता परमात्मा क्या गंदे मकान में आ सकते हैं? विचार करना प्यारे, गंदे मकान में नहीं आ सकते। मकान कौन सा है, कहां पर है मकान, कौन सा ईंट और सीमेंट उस मकान में प्रयोग हुआ है, कौन सा सरिया लगा हुआ है, कारीगर कौन है उस मकान को बनाने वाला, मालूम है कि नहीं? हमारा आपका यह शरीर यही मकान है, इसमें जो हड्डी है यही जो है सरिया है, इसके अंदर जो मांस जो भी है आप सब जानते हो जी, यही है सीमेंट और ईंट। मिस्त्री कौन है, बनाया कौन है इसको, श्री ब्रह्मा जी ने बनाया है। और इतने सुंदर मकान में एक बहुत सुंदर सोफा सेट है जी, बहुत सुंदर सोफा है, बहुत सुंदर कुर्सी है, जैसे आप लोग बैठे हो कुर्सी पर ना, बढ़िया सोफा सेट, कौन सा है, क्या नाम है उसका, हमारा आपका हृदय यही बहुत सुंदर सोफा है प्यारे, कुर्सी है, इस कुर्सी पर कौन बैठता है जी, हमारे आपके हृदय रूपी कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, विचार करना। आपके हृदय पर आपके पति बैठे हैं, आपके बच्चों का प्रेम आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपके बहू का प्रेम आपके हृदय में बैठा हुआ है, विचार करना। इस हृदय रूपी सिंहासन पर केवल और केवल हमारे राघवेंद्र सरकार ही विराजमान होते हैं जी। इस हृदय की सफलता, इस कुर्सी की सफलता इसी में है कि इस पर राम जी आकर के विराजमान हो जाएं। आज अवधवासी भगवान के जन्म के उत्सव में बहुत नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं,
अब हर किसी को भगवान तो दर्शन दे नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत छोटे से हैं, तो सभी भक्तों ने अपने हृदय को ही सिंहासन बना लिया। एक झलक देखा है राम जी की और उसी झलक को, उसी स्वरूप को अपने आँखों के माध्यम से धीरे 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 अपने हृदय पर ला करके विराजमान कर लिया है। हृदय पर श्री राम जी आकर के विराजमान हो गए हैं। समस्त अवधवासी बहुत प्रसन्न हैं, सबके जीवन में आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, प्यार का समुद्र हिलोरे मार रहा है। प्यारे, दुख किसी के जीवन में नहीं है। इस समय अवधवासी बहुत प्रसन्न हैं, किसी के जीवन में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख के स्वरूप भगवान राम जी का जन्म हो चुका है। राम भगति मन उर बस जाके, तो दुख लवलेश न सपने हूं ताके। दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। राजा दशरथ जी आनंद में डूबे हुए हैं। परमानंद में डूबे हुए हैं। जीवन का अलग लाभ ले रहे हैं। कौन? राजा दशरथ अवधवासी। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा सुनिकाना। दशरथ को क्या कर रहे हो प्यारे? भाव से झूमते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु परम प्रिय बानी, सुनि सी सुरुदन करम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहत है धाई दासी, आनंद
सकल पुरवासी आनंद मगन, आनंद मगन सकल पुरवासी, 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 आनंद मगन सकल पुरवासी। सभी लोग आनंद में डूबे हुए हैं, आनंद मगन सकल पुरवासी। केवल राजा दशरथ जी ही आनंद में नहीं है, समस्त नगरवासी आनंद में झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सभी नगरवासी, सभी अवधवासी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राम जी के स्वरूप को विराजमान कर लिए हैं, इसलिए सब आनंद में हैं। राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, और अवधवासी गा रहे हैं। क्या बात है जी, भगवान तो रो रहे हैं और गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, यह चरित जे गावहीं। अवधवासी गा रहे हैं, क्या बात है, हमारे पति रो रहे हैं, हमारे स्वामी रो रहे हैं और हम हंस रहे हैं। एक संत का भाव है, भगवान राम जी से मैया कौशल्या अम्बा ने कहा, राम जी अभी तक तो हम सभी अवधवासी रो रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक लाला हो जाए। राजा दशरथ जी रो रहे थे, हैं गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरु जी से जाकर के अपने दुखड़ा को सुनाए हैं, प्रभु भय गलानी मोरे सुत नाही। अभी तक तो हम लोग रो रहे थे, अब हम नहीं रोएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप रो, और जब आप रोएंगे तो क्या होगा, हमारे समस्त आंसुओं को आप अपने आंखों में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो सारा ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में है रावण का आतंक फैला हुआ है। तो हे प्रभु आप रो, जब आप रोगे तभी हम हंस पाएंगे। आप रो प्रभु, ये देखो ये मां की भावना है प्यारे। एक मां कह रही है, प्रभु आप रोइए, की जय शिशु लीला अति प्रिय सीला। आप तो चरित्र करो, आप लीला करो। कौन सी लीला? शिशु लीला। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोना शुरू कर दिए। और जैसे भगवान रोना शुरू किए समस्त अवधवासी गाने लगे। कहा बोलाई बजाव हो बाजा, 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 कहा बोलाई बजाओ बाजा, बाजा बजाओ। अरे बाजा बजाओ ना, क्या कर रहे हो जी? अच्छा ऐसे बाजा बजता है क्या? बाजा बजना चाहिए, ध्यान देना, मैं देख रहा हूं। आनंद में झूमो प्यारे,
जन्म लियो है मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो है मेरो रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। अपना घूंघट खोल दिया है या देखो तो सही है। भंवरा हंसी हंसी यूं बोला, क्या कर रहे हो? भंवरा हंसी हंसी यूं बोला, भंवरा हंसी हंसी यूं बोला, भंवरा हंसी हंसी यूं बोला। कलियों I'm gonna do it.
ये छोटे सरकार हैं कौन? तू मेरे मन का मोती है, कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये तो अवधवासी कह रहे हैं, एक दूसरे से आपस में सभी अवधवासी बोल रहे हैं। भैया बधाई हो, मैया बधाई हो, क्यों लाला भयो है? सभी अवधवासी सुंदर श्रृंगार करके राजा दशरथ जी के राजभवन में आ गए हैं और सभी लोग राजा दशरथ जी को बधाई देते हैं। राजन आप बड़ भागी हैं,
कौशल्या अम्बा बड़ भागी है, क्यों राम लखन सन सुत पाई। राम और लक्ष्मण जैसा पुत्र मिला है, भरत और शत्रुघ्न जैसा पुत्र मिला है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है आज, मानव जीवन के अलभ्य लाभ को आज चक्रवर्ती नरेंद्र राजा दशरथ ने प्राप्त किया है। जिस मणि को, जिस अलभ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म तक बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, आज उसी अलभ्य लाभ को, आज उसी नीलमणि को, आज उन्हीं भगवान राम जी को राजा दशरथ जी ने एक पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। क्यों न प्रसन्न हो जी, इतनी तपस्या किए थे मनु और शत्रुपा के रूप में राजा दशरथ और कौशल्या, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे जी। परमानंद पूरी मन राजा, अरे कहां तक कहें जी, हमने तो संतों से सुना है आज राजा दशरथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जो बाजा वाले बाजा बजा रहे थे ना, उनके बाजे को अपने गले पे ले लिए और अपने हाथ से नगाड़ा बजाने लगे। इतने प्रसन्न हो गए राजा दशरथ, आज खुद अपने हाथों से बाजा बजा रहे हैं। ये है परमानंद पूरी मन राजा, को हम कहां बिसरी तन गए, हम कौन है भूल गए राजा दशरथ, आज बाजा बजा रहे हैं। परमानंद पूरी मन राजा, सभी अवधवासी खूब दान दे रहे हैं प्यारे, दिल खोल करके दान दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, खूब दान दे रहे हैं, दान करना चाहिए जी। कल मैं देख रहा था माताएं और पुरुष वर्ग सभी लोग दान देने के लिए तैयार थे, अपना अपना पर्स भी खोल रहे थे, लेकिन उनके पास कोई पहुंच ही नहीं पाया जी। है दान कर, आप लोग बड़े अच्छे हैं जी, सब दान करते हैं, दान करना चाहिए। सबसे बड़ा दान प्यार का दान है प्यारे, प्रेम का दान करो। बस रुपया पैसा दान करोगे ठीक है, करना चाहिए, शास्त्र हमारा कहता है धन कमाई हुई संपत्ति में से, कमाए हुए धन में से 10% दान करो। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 10 रुपए का दान करो, लेकिन 10 रुपया दान करने के बाद, ये मैंने एक संत से सुना था कि 100 रुपए में से यदि हम 10 रुपए दान कर देते हैं 10%, तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा, 10 रुपया कम हो जाएगा, 100 में से 90 बचेगा, मतलब धन संपत्ति कम हो गई। धन कम हो गया, लेकिन ध्यान देना प्यारे, ये प्रेम का दान, ये भक्ति का दान, ये भाव का दान, ऐसा दान है जितना दान करोगे, जितना दूसरों से प्यार करोगे, उतना ही आपका यह प्यार रूपी संपत्ति बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा प्यारे। ये प्यार का दान है, करके देखना प्यारे। घर में सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, यही राम कथा मुझे सिखाती है, सबसे प्यार करना। जितना अपने बच्चों से प्यार करते हो, उतना ही पड़ोसी में जो बच्चा है छोटा सा, उससे भी प्यार करना, सबसे प्यार करो। सर्वस दान दीन सब काहू, प्रेम का दान सबको करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि महाराज खाली प्रेम का दान करेंगे, रुपया पैसा हम अपने अलमारी में है बढ़िया तिजोरी में रखेंगे जी, ऐसा मत समझ लेना। धन संपत्ति का दान करते हुए प्यार का भी दान करो, हमारे कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि पर्स में ही रखे रहो है, नहीं तो मालूम है क्या होगा, जिसके पास खूब ढेर सारी संपत्ति होती है ना, तो
संतों जो बड़े बड़े समझ गए सब लोग, बड़े बड़े जो चोर डाकू होते हैं ना, उनकी दृष्टि उसी के घर में रहती है। थोड़ा निकालो अलमारी में से, तिजोरी में से निकालो, और ठाकुर जी के लिए, राम जी के लिए, कन्हैया के लिए दान करो। किसी संत को प्रसाद पवाओ, किसी दीनहीन को कुछ दान करो। ठंड का समय है, कोई गरीब व्यक्ति यदि ठंड से कांप रहा है उसको दान करो, कंबल का दान करो। कोई गरीब भूखा है उसको अन्न का दान करो। वैसे तो कलयुग में अन्न का दान विशेष रूप से कहा गया है। कलयुग में अन्न में ही प्राण होता है जी, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, ध्यान देना, सतयुग में हड्डी में प्राण होता था, हड्डी में, इसीलिए इंद्र भगवान क्या किए, श्री दधीची ऋषि की हड्डी का ही वज्र बना ली, क्योंकि हड्डी में प्राण होता था उस समय। त्रेता में तपस्या में प्राण होता था, भजन करो। द्वापर में पूजन में प्राण होता था, और कलयुग में हैं, दो दिन आप अन्न मत खाओ क्या होगा महाराज, निदा रही महाराज, कथा में कैसे आएंगे, सो जाए महाराज, कल कथा में नहीं आना पड़ेगा ना। कल युग में अन्न में ही प्राण होता है प्यारे, कहने का भाव है। आजकल तो लोग एकादशी व्रत करने के लिए भी 10 बहाना ढूंढते हैं महाराज। एकादशी व्रत करते समय एक समय रोटी खाने क्या, दिन भर तो हम व्रत रखेंगे और शाम को हैं रात में रोटी खा लें। कई बार फोन आता है हमारे पास, कलयुग में अन्न में, बिना अन्न के यह शरीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दान करो, अन्न का दान करो, धन का दान करो, संपत्ति का दान करो, विद्या का दान करो। विद्या दान भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ज्ञान का दान जिसको कहा गया है। और मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा प्यारे कि आप सभी लोग प्यार का दान करो। आजकल समाज में इतनी बुराई है, हैं? एक दूसरे को देख करके लोग रह नहीं पा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ करके मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्वेष है, ईर्ष्या है। प्यारे प्यार का दान कर किया करो, प्रेम का दान करो। राम जी के जन्म के उत्सव में सभी लोग प्रेम का दान कर रहे हैं, सब कुछ दान कर रहे हैं जी। सर्वस दान दीने सबका हो, सर्वस दान दीने सबका हो, जहि पावा राखा नहीं ताहो, जहि पावा राखा नहीं ताहो। सर्वस दान दीन सबका हो, 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 जहि पावा राखा नहीं ताहो।
पुरे सोहई एहि भांती, सोहई सोहई भांती। सुंदर लग रही है, वही घर सुंदर होगा, वही परिवार सुंदर होगा जो प्यार करेगा एक दूसरे से, जिसके जीवन में राम की भक्ति आ जाएगी, वही का उसी का जीवन सुंदर है। अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति। सर्वस दान दीन सब गाओ, सर्वस दान सर्वस दान दीन सबका हो। आप लोग कभी गुनगुनाते हो कुछ कि नहीं? नींद लग रही है क्या? बरसात करवा दूं, नींद खुल जाएगी, क्योंकि बरसात जब होगी ना तो सबका शरीर भीग जाएगा, और जब शरीर भीग जाएगा तो मालूम है नींद खुल जाएगी। हैं? बरसात करवा दूं, फिर कथा में कैसे आओगे जी? कैसे आओगे कथा में? नाम करण कर अवसर जानी, करण कर अवसर जानी, करण कर अवसर जानी। भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, नामकरण का समय आया, गुरुदेव भगवान बुलाए गए हैं, सुंदर आसन पर उनको विराजमान किया गया है, और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान समस्त लौकिक रीति संपन्न करने के पश्चात अब नामकरण कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सामने सुंदर चौकी लगी हुई है जिस पर गुरुदेव वशिष्ठ भगवान विराजमान हैं, और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के सामने चार छोटी छोटी सुंदर चौकी लगी हुई है जिस पर राजा दशरथ, मैया कौशल्या, मैया कैकेयी और मैया सुमित्रा क्रमशः विराजमान हैं। राजा दशरथ की गोदी में सांवले सांवले सरकार लेटे हुए हैं, गुरुदेव भगवान देख रहे हैं, राजन आपकी गोदी में जो सांवले सांवले सरकार हैं ये समुद्र हैं। जैसे गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के मुख से निकला है कि राजा दशरथ जी की गोदी में समुद्र विराजमान है, राजा दशरथ जी कांपने लगे, अरे हमारी गोदी में समुद्र, समुद्र में तो खारा जल होता है, तो क्या हमारी गोदी में खारे जल वाला समुद्र है? राजन चिंता मत करो, पहले पूरी बात सुनो, आपकी गोदी में जो समुद्र है वो खारे जल वाला समुद्र नहीं है, बल्कि वो तो मीठे जल वाला समुद्र है, वह प्यार वाले जल का समुद्र है। राजन जो आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद आनंद के साथ
समुद्र में आते हैं सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी लोकदायक विश्रामा लोकदायक विश्रामा सो सुख धाम राम असनामा सो सुख धाम राम असनामा राजन जो आपकी गोदी में सांवले सांवले सरकार विराजमान है ये आनंद के समुद्र हैं, ये प्यार के समुद्र हैं, समस्त लोग को आनंद देने वाले आपकी गोदी में जो विराजमान है इनका नाम राम है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और अब माँ कौशल्या की गोदी में सांवले सांवले सरकार झूमते हुए प्यारे नामकरण का समय है। नींद आ रही है क्या है? अच्छा महाराज गुरुजी नाम कर रहे हैं ना, उनको नामकरण करने दो, हम तो सुनेंगे महाराज, हम तो डूबेंगे महाराज है। राजन आपके बगल में जो आपकी धर्म पत्नी बैठी है कौशल्या जी, इनकी गोदी में जो सांवले सांवले सरकार है ये समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। क्योंकि सारे विश्व को राम की भक्ति से भर देंगे इसलिए इनका नाम भरत होगा। सो सुख अखिल लोक पावक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जो धाम राम असनामा सुख धाम राम असनामा राम असनामा राम असनामा
सो सुख धाम राम अस नामा। यदि आप अपने जीवन में आराम चाहते हो प्यारे, तो एक काम कर। यदि आप अपने जीवन में आराम चाहते हो तो एक काम कर। क्या काम कर? आ राम की शरण में और राम राम कर प्यारे, राम राम कर। आ जाओ राम की शरण में, आ जाओ अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर चारों सरकार का नामकरण संस्कार संपन्न किया। श्री कैकेयी जी की गोदी में गोरे गोरे सरकार, गुरुदेव भगवान कहते हैं देवी आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, इनके नाम का सुमिरन करने मात्र से ही शत्रु दहल जाएंगे, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। कौन से शत्रु? काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु दहल जाएंगे। ध्यान देना, रामचरितमानस में श्री शत्रुघ्न लाल ने एक भी बार धनुष बाण नहीं उठाया है, जैसा हमने रामायण का अध्ययन किया है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में है लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न जी एक बार भगवान से आदेश लेकर के गए थे। जो मथुरापुरी मधुपुरी जिसको बोलते हैं, वो हमारे शत्रुघ्न लाल ने ही स्थापित किया है। तो गुरुदेव भगवान शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों रखते हैं प्यारे? यदि लखन भैया का नाम शत्रुघ्न हो तब तो बात समझ में आती है। लक्ष्मण जी का नाम सुनते ही शत्रु कांपने लगते हैं, अभी आगे प्रसंग आएगा फिर बताएंगे, कांपने लगते हैं, अरे लखन आ गया, भागो भागो भागो। लक्ष्मण जी का नाम शत्रुघ्न होता तो बात समझ में आती, लेकिन ध्यान देना प्यारे, श्री लखन जी ने मेघनाद को मारा है। मेघनाद है काम का स्वरूप, रावण है मोह का प्रतीक। ये मानस यात्रा है प्यारे, अंदर की यात्रा है। जरा अपने अंदर आओ और दर्शन करो, रावण क्या है, कुंभकर्ण क्या है, मेघनाद क्या है। लंका युद्ध बहुत भयंकर हुआ है प्यारे, राम और रावण का युद्ध बहुत भयंकर हुआ है। जरा अपने अंदर देखो, आपके अंदर रोज राम और रावण का युद्ध होता है, रोज लक्ष्मण हैं और मेघनाद का युद्ध होता है, लेकिन जय किसकी होती है? रावण की जय होती है। जो हमारे शरीर में रावण है, जो हमारे शरीर में मेघनाद है, उसकी जय होती है। लखन जी हार जाते हैं, राम जी हार जाते हैं, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं प्यारे। रावण है मोह का प्रतीक, कुंभकर्ण है लोभ का प्रतीक। जिसके जीवन में बहुत लोभ है समझ लेना वह कुंभकर्ण है, जिसके जीवन में बहुत काम वासना है समझ लेना मेघनाद है उसके मन में। तो लखन जी ने तो केवल एक मेघनाद को ही मारा था, लेकिन श्री शत्रुघ्न लाल जी के नाम का सुमिरन करने से काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शत्रु अपने आप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए गुरुदेव भगवान ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा है। बोलिए शत्रुघ्न लाल की। जिसके जीवन में काम बहुत सताता हो वो राम राम का स्मरण बाद में करना, पहले शत्रुघ्न 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 इनके नाम का स्मरण करना, ऐसा हमने संतों से सुना है। काम वासना अपने आप शांत होती जाएगी। अब गुरुदेव भगवान श्री सुमित्रा जी की गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, उनका नामकरण करने के लिए तैयार हुए। देवी आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं, यह समस्त लक्षण के धाम है। समस्त लक्षण का धाम क्या है प्यारे, विचार करो।
आप लोग बड़े प्रसन्न होते हो, हम सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं यदि हमारा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है, हम सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा बेटा यदि विदेश जाता है, हम सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, महाराज मेरा बेटा विदेश गया है, इंग्लैंड गया है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही विदेश से आपके पास आता है और आप पूछो भैया चलो आज मारवाड़ी मंदिर चलना है, तो क्या कहता है बेटा, भैया ये मंदिर क्या होता है, वातिज मंदिर। अरे बेटा तुम्हारे यहाँ उसको मंदिर नहीं बोलते हैं, इंग्लैंड में मंदिर नहीं बोलते हैं, वहां पर टेंपल बोलते। ओ आई सी। विदेश जाता है और अपने संस्कृति को त्याग देता है, ठीक है खूब रुपया पैसा कमाए विदेश जाए अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को भी बचा करके रखना चाहिए। जब तक आपका बेटा भगवान का भक्त नहीं बनेगा तब तक वह समस्त लक्षण का धाम नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कार देना चाहिए। पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है, राम जी का भक्त होता है, उसी का पुत्र पैदा करना सफल होता है। नहीं तो पशु भी तो बच्चा पैदा करते हैं, तो पशु और स्त्री में कोई अंतर नहीं होगा। यदि आपका बच्चा भगवान का भक्त नहीं है तो समझ लेना आप इंसान नहीं हो, अब क्या हो वो आप जानो। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। नतरु बांझ भली पाद दियाली। पशु जो है बच्चा पैदा नहीं करता है, उसको कहते हैं पशु ने बच्चा है? क्या कहते हैं जी, गाय जो है ब्याई है, हमारे अयोध्या में ऐसा बोलते हैं जी ब्रज में। नतरु बांझ भली बादी बियानी। इसलिए ध्यान देना प्यारे, आप पशु मत बनो, इंसान बने रहो, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत भगवान के विषय में बताया करो। इस तरह से गुरुदेव भगवान कहते हैं देवी आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार विराजमान है, यह समस्त लक्षण के धाम है। क्यों? क्योंकि इनको राम जी बहुत प्रेम करेंगे, या राम जी को ये बहुत प्रेम करेंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, क्योंकि ये राम प्रिय है इसलिए लक्षण के धाम है, और समस्त लक्षण के धाम है इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए श्री लखन लाल की जय। इस तरह से गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न किया, और अब भगवान थोड़ा बड़े हुए जी, घुटरुवन के बल भगवान चलना शुरू कर दिए, और थोड़ा बड़े हुए जरा देखो तो सही, भगवान के छोटे छोटे पाओ में छोटी छोटी पैंजनियां बंधी हुई हैं। भगवान अब बकैया नहीं चलते हैं जी, अब थोड़ा और बड़े हो गए हैं, तो भगवान क्या करते हैं, किसी वस्तु का सहारा लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। एक बार मैया कौशल्या राम जी का बहुत सुंदर श्रृंगार की है और पालने में सुला दी है, पालने में सुला दी है मैया कौशल्या ने अपने प्रभु श्री राम जी को। श्रृंगार कैसा किया है, आप भी अपने बच्चों का श्रृंगार करना। एक बात मैं आपसे और कहूं प्यारे, आप सभी लोग अपने छोटे बच्चों को कभी मारना मत। मैंने देखा है और सुना भी है, कभी यदि पति थोड़ी बहुत डांट फटकार लगा देता है पत्नी को, तो पत्नी को क्रोध आ जाता है जी। अब पत्नी का बस तो है नहीं कि पति को डांटे, पति को मारे, तो पति के डांट का जो क्रोध है
वो पति के ऊपर नहीं बच्चों के ऊपर निकालती है। कैसे? एक लगाकर ना। छोटे बालक भगवान के स्वरूप होते हैं जी। आप सभी माताएं विशेष ध्यान से सुनिए, छोटे बच्चों को कभी नहीं मारना प्यारे ना। साढ़े चार पांच वर्ष तक बालक छोटा होता है, चार पांच वर्ष तक बच्चों को कभी नहीं मारना, उनको प्यार करो। भगवान की कृपा का फल है, भगवान के करुणा का फल है कि आपके गोदी में लाला जन्म लियो है। बालक भगवान को कभी नहीं मारना। श्रृंगार कभी करते हो कि नहीं बच्चों का? महाराज समय ही नहीं मिलता श्रृंगार करने का। हाँ महाराज, जब कभी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं ना, तब अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं। रोज श्रृंगार किया करना, ठीक है? अरे बोलो ना जी, और धीरे से बोलो, नहीं तो लाला सुन लेगा, बैठा है ना सामने, सुन लेगा। श्रृंगार रोज किया करो, ठीक है जी? अरे जोर से ना बोलो जी, और धीरे से बोलो। अरे इधर वाले काय को बीच में टपक पड़ते हैं, इधर वालों से बात करने दिया करो जी। श्रृंगार रोज किया करना जी, ठीक है जी? अरे जरा इनकी तरफ बोलो तो सी, दिखाओ ना इनको, रोज श्रृंगार करोगे? अभी भी आवाज जो है बहुत धीमी आ रही है। मालूम है हम कन्हैया को आपकी ये बात सुनाएंगे, क्या आप रोज श्रृंगार करेंगे जी? किसका श्रृंगार करेंगे जी? अपना श्रृंगार करेंगे क्या? हाँ महाराज, वो तो हम रोज करते हैं जी। अरे अपना नहीं जी, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना जी, और ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे करना कि ठाकुर की कृपा अपने आप बरसात होने लगे हमारे जीवन में प्यारे। इतना श्रृंगार करना, ठीक है? श्रृंगार कैसे करना? बढ़िया सा है, हाथों में कंगन पहनाओ, पैरों में पैजनिया पहनाओ, कमर में करधनी पहनाओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ है, पीला पीला झीना झीना वस्त्र पहनाओ जी। आज देखो ठाकुर जी का दर्शन करो, पीत वस्त्र पहने हैं कि नहीं? झीना झीना है यह पीत वस्त्र। ये पीत वस्त्र इतना सुंदर है प्यारे, इतना सुंदर है। आहा, ठाकुर जी पीतांबर हमेशा पहने रहते हैं। पीत झगोलिया तन पहिराई, झगोलिया तन पहिराई, पीत झगोलिया तन पहिराई, पीत झगोलिया तन पहिराई, जान पान बिचरन मोहि भाई, पान बिचरन मोहि भाई, जान पान बिचरन मोहि भाई, पान बिचरन मोहि भाई, दुई दुई दसन अधर अरुनारे, 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 नासा तिलक कुबर ने पारे, नासा तिलक कुबर ने पारे, नासा तिलक कुबर ने पारे, नासा तिलक कुबर ने पारे। इस तरह से श्रृंगार किया करो, पीत वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, पैरों में पैजनिया बंधी हैं। भगवान बहुत सुंदर बकैया चलते हैं, बाजत पैजनिया, भगवान चलते हैं तो पैजनी बजती है। कहां पर है वो पैजनी? भगवान के पैर में। रुंझुन रुंझुन करती हुई वह पैजनी बज रही है। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक बार की बात है, मैया कौशल्या भगवान राम जी का श्रृंगार की, और श्रृंगार करने के पश्चात राम जी को पालने में सुला दी। राम जी सो गए। राम जी को सुलाने के पश्चात मैया कौशल्या स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को बहुत सुंदर भोजन बनाती है,
भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाइए और उस भोजन को भगवान के मंदिर में ले जाकर के रख दिया। भोजन की थाल को बढ़िया सोने की थाल है, सोने की थाल में बढ़िया चांदी की छोटी छोटी कटोरी है, एक में दाल है, एक कटोरी में बढ़िया सब्जी है, एक कटोरी में बढ़िया रसगुल्ला है। जी बनाते हो कि नहीं, बनाते हो कि नहीं जी? कभी महाराज रसगुल्ला तो हम बना ही नहीं पाते जी। चलो अच्छा, एक कटोरी में बहुत सुंदर हलवा है जी, ये तो बना लोगे ना? बहुत बढ़िया बासमती चावल है जी, मह 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 महक रहा है वह चावल। बढ़िया फुलका है, रोटी है, चांदी गिलास में जल रखा हुआ है। ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी भोग लगाओ। वो सोने की थाल जिसमें प्रसाद रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, भगवान के मंदिर में ले जा करके मैया कौशल्या भगवान से निवेदन करती है, राम जी ठाकुर जी भोग लगाओ। थोड़ा थोड़ा तुलसी दल मैया कौशल्या ने सभी भोजन में छोड़ा, चावल में, दाल में, हलवा में, रोटी पर, जल में, और भगवान से कहती है, प्रभो आप भोग लगाइए। हे प्रभो, तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभो भोग लगाओ। मैया इतने प्रेम से कह रही है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी भोग लगाओ, तो भगवान क्या करें? अब मंदिर में तो सोने के भगवान हैं, धातु के भगवान हैं, लेकिन वही धातु वाले भगवान पालने में सो रहे थे। भगवान सो तो रहे हैं लेकिन भगवान के कान नहीं सो रहे हैं, वो तो मैया की पुकार सुन रहे हैं। अब भगवान के मन में चिंता हो गई, क्या कि मैया तो मुझे इतने प्रेम से बुला रही है कि ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ राम जी। हैं? अब राम जी से, जो राम जी छोटे स्वरूप में हैं, जो राम जी केवल बकैया चल पाते हैं, वो राम जी क्या किए? जैसी ही मैया कौशल्या ने ठाकुर जी से निवेदन किया, ठाकुर जी पालने में से धीरे से उतरे। अब कैसे उतरे कुछ पता नहीं है। मैया कौशल्या राम जी से कहती है, ठाकुर जी भोग लगाओ, तो ठाकुर जी पालने में से उतरे और पहुंच गए जहां मैया ने भोजन की थाल रखा था। पर्दा लगा हुआ है, 5 मिनट के पश्चात मैया कौशल्या ने जैसे ही मंदिर का पर्दा खोला, क्या देख रही है? अरे ये क्या? आंख को थोड़ा सा बंद किया, फिर खोला, ये क्या हो रहा है? राम जी तो पालने में सो रहे थे, मंदिर में कैसे आ गए? मैया कौशल्या दौड़ करके पालने के पास जाती है। पालने में क्या दिखाई पड़ रहा है? लाला आराम से सो रहे है। फिर मैया दौड़ करके आई मंदिर में, क्या देख रही है? जो लाला पालने में सो रहा है वही लाला मंदिर में बैठ करके भोजन कर रहा है। मैया सोच रही कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। थोड़ा सा हाथ में जल लिया और अपने आंखों को धोया, फिर दौड़ करके गई पालने के पास। लाला आराम से सो रहे है। फिर भाग करके आई है मंदिर में, लाला आराम से बैठ करके भोजन कर रहे है। क्या बात है जी? इहां उहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा,
देखा उहां दुई बालक देखा मति मन मोर की आन बिसेखा मति मन मोर की आन बिसेसा देखी राम जननी अकुलानी देखी राम जननी अकुलानी देखी राम जननी अकुलानी देखी राम जननी अकुलानी इहा उहां दुई बालक देखा क्या बात है राम जी कैसे चल करके आए पालने में से उतरे कैसे माँ विचार कर रही है गोस्वामी जी कहते हैं मैया मैं बताऊं भगवान कैसे चले अभी तो भगवान चल तो पाते नहीं है किसी वस्तु का सहारा लेकर के ही भगवान चल रहे हैं लेकिन मैया तू जो संशय कर रही है ना उस संशय का उत्तर मैं दे रहा हूँ भैया भगवान पालने में से कैसे आए बताऊं ये तो बिन पग चले सुनई बिन काना बिन पग चले सुनई बिन काना बिन पग चले सुनई बिन काना भैया ये तो बिना पैर के ही चलते हैं अच्छा लेकिन दूसरा आश्चर्य भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं राम जी भोजन कैसे कर रहे हैं अभी तो केवल दो दतुली ही निकली है दांत तो है नहीं ये तो दूध वाला दांत है तो भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैया मैं बताऊं हाँ भैया आनंद रहित सकल रस भोगी 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 बिन पग चले सुनई बिन काना बिन पग चले सुनई बिन काना कर बिन करम करई विधि नाना कर बिन करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी सकल रस भोगी आनंद रस भोगी हाँ उहां दुई बालक देखा हाँ उहां दुई बालक देखा 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 माँ के इस संशय का समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि भगवान हैं जो ठाकुर जी छोटे से हैं जो लाला छोटो सो है वो भोजन कैसे कर रहा है भगवान जैसी देखे हमारी माँ कौशल्या व्याकुल हो गई है तो राम जी मुस्कुरा दिए छोटे सरकार लगभग दो ढाई वर्ष के सरकार मुस्कुरा दिए और भगवान के मुस्कुराहट में माया रहती है जैसी भगवान मुस्कुराए माँ कौशल्या के ऊपर माया आ गई माया दो तरह की होती है प्यारे एक माया जो भगवान से विमुख कर देती है और एक माया वो है जो भगवान से जोड़ देती है भगवान की दो पत्नी हैं एक का नाम है माया और एक का नाम है श्री जी श्री लक्ष्मी जी कहते हैं ना मायापति भगवान की जय लक्ष्मीपति भगवान की जय तो माया भी भगवान की पत्नी है और श्री जू भी भगवान की धर्म पत्नी है तो यहां पर जो माया भगवान ने माँ कौशल्या के ऊपर किया वह माया भगवान से थोड़ा दूर कर देती है अभी तक माँ कौशल्या भगवान के मंगलमय स्वरूप को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या हो गया लेकिन भगवान जैसे ही मुस्कुराए मैया कौशल्या को सब भूल गया भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है माँ कौशल्या को जिस तरह से कन्हैया ने अपने मुख में माँ यशोदा को ब्रज रज का दर्शन कराया था और उस ब्रज रज में सारा ब्रह्मांड भी दिखाया था इस तरह से भगवान माँ कौशल्या को
बहुत आनंद देते हैं। अयोध्या बहुत सुंदर लग रही है प्यारे, बहुत अच्छी लग रही है इस समय। अयोध्या जी राम जी की राजधानी है। सरयू जी में भगवान राम जाते हैं, स्नान करते हैं अपने पिता दशरथ जी के साथ में। आओ जरा दर्शन करें। सरयू जी जैसे ही राम जी के मंगलमय शरीर का स्पर्श प्राप्त करती हैं तो सरयू जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आहा, आज हमारे जल में भगवान राम खुद स्नान कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान की सुंदरता को देख करके सरयू मैया प्रसन्न हो रही हैं, अवधवासी प्रसन्न हो रहे हैं, सभी भक्त प्रसन्न हो रहे हैं। आइए हम भी अपने प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अयोध्या जी में भगवान राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करें। अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी है प्यारे, चले सभी लोग प्रेम और भाव से। कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, हो धन कौशला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कौशल्या धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन भूप दशरथ के आंगन खेलत चारु भैया।
खिलत चारो भैया, खिलत चारो भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभ की बाणी लागे, ओ प्रभ की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे। अयोध्या राम जी की प्यारी रज थानी लागे, रज थानी लागे। सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। हाँ सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। हाँ जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। हाँ लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कर्ण कर्ण से प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रज थानी लागे, रज थानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। राधे दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले, सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। अरे ओ भैया जय सिया राम, जय सिया राम। ओ भैया जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गलिन में डोले, अवध गलिन में डोले। अवध गलिन में डोले। सीता राम नाम धोनी प्यारी मस्तानी लागे, मां सीतानी लागे। मान मीठो मीठो सरजो जीरो पानी लागे।
पावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। सकल जगत के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। संग बैठी जिनके सिया महारानी लागे। ओ महारानी लागे माने मीठो मीठो सर जो जीरो पानी लागे। अयोध्या राम जी की प्यारी अयोध्या। इस समय बहुत सुंदर लग रही है प्यारे, इतनी सुंदर लग रही है कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम इस समय खुद विराजमान हैं। राम जी ने बहुत सुंदर बाल लीला संपन्न किया और अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए जी। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न कराया गया। भगवान अब सुंदर भोजन भी करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो मालूम है कौशल्या अम्बा जाती है और राम जी को पकड़ करके राजा दशरथ जी की गोदी में बैठा देती है। ध्यान देना प्यारे, राजा दशरथ पुरुष ज्ञान प्रधान होता है। पुरुष ज्ञान प्रधान होता है और माताएं भाव प्रधान होती हैं, भक्ति प्रधान होती हैं। राजा दशरथ जब राम जी को बुलाने के लिए गए, पिता नहीं बुला रहा है, कौन बुला रहा है? राजा बुला रहा है। भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। मैं बुला रहा हूं, जहां पर मैं होगा वहां पर माधव नहीं होते हैं। राजा बुला रहे हैं, भगवान भाग गए। लेकिन आहा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या भी किसी का नाम है, मतलब मैं कौशल्या राजा दशरथ की धर्म पत्नी बुला रही हूं, भगवान फिर भाग गए। जिसके मन में मैं होगा, अहंकार होगा, भगवान उसके मन में नहीं आ सकते। मैं को हटाओ यदि माधव को लाना है तो। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमकी प्रभु चल ही पर आई। आजा मैया, मुझे पकड़ेगी, आजा। भगवान के कमर में करधनी है, राम जी के कमर में करधनी है, पैरों में पैजनिया है, हाथों में कंगन है, गले में सुंदर माला है, हैं? और सिर पर बहुत छोटी सी है झीनी झीनी एक मुकुट भी है जी पहने हुए हैं। शरीर पर पीतांबर है, आर पार दर्शन हो रहा है। जैसी ही कौशल्या मैया बुलाने जाती है राम जी को, राम जी ने क्या किया मालूम है? एक हाथ अपने कमर पे रखा और दूसरे हाथ को कहां रखा? अपने सिर पर। आजा आजा,
मैया आ जा जल्दी आ जा। मैया आ रही है, कौशल्या आ रही है। जैसी कौशल्या जी पास पहुंचने वाली हुई तो राम जी ने क्या किया, अपने सिर पर से हाथ सामने लिया और मुट्ठी बांधा, अंगूठा बाहर निकाला। मैया ये देख मेरा अंगूठा, तू मुझे पकड़ेगी? ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चल ही पर आई, भाग गए भगवान। एक ठुमका लगाए और फिर भाग गए। अब कौशल्या जी सोच रही है मैं कैसे पकड़ूं भगवान को। ध्यान देना प्यारे, जिन भगवान का पैर है, आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे, वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ गए थे याचना करने के लिए, तो वामन भगवान का एक पैर पृथ्वी लोक पर और दूसरा पैर ब्रह्म लोक पर। जिसका पैर इतना बड़ा हो वो भगवान कितना बड़ा होगा विचार करो। और इतने बड़े पैर वाला भगवान यदि भागे तो किसके अंदर सामर्थ्य है कि ऐसे भागते ही वे भगवान को पकड़ ले? कोई पकड़ पाएगा? कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ध्यान देना प्यारे, हमारे भारतीय संस्कृति की माताओं में वह शक्ति है, वह भक्ति है, वह भाव है कि इतने बड़े भगवान यदि भागते हैं तो ऐसे भगवान को भी पकड़ने का सामर्थ्य हमारी भारतीय संस्कृति की माताओं के अंदर है प्यारे। ये है भक्ति और ये है शक्ति, भगवान को पकड़ने की शक्ति, भगवान से प्यार करने की शक्ति। जैसे भगवान भागना शुरू किए तो मालूम है क्या हुआ, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठि धावा। कौशल्या नहीं पकड़ी है, कौन पकड़ा है? जननी, एक माँ पकड़ी है। राम जी से यदि प्रेम करना है प्यारे तो माँ बन जाओ। जिस तरह से आप अपने बच्चों से प्यार करते हो वैसे ही गोपाल जी से भी प्यार किया करो। आपका नन्हा सा बालक जब छोटा होता है तो आप क्या करते हो मालूम है? ठंड के समय में यदि नन्हा सा बालक बिस्तर पर बिस्तर गीला कर देता है, लघुशंका कर देता है, तो आप क्या करते हो जी? बालक को ठंडे में ही रखते हो? नहीं रखते हो। क्या करते हो? जहां आप सूखे स्थान पर लेटे हो बालक को धीरे से उठा करके वहां पर रख देते हैं। और आप कहां पर रहते हो? दूसरे तखत पे चले जाते हो क्या? बगल में जो गीला वाला स्थान है जहां बालक ने गीला कर दिया है वहां पर आप खुद लेट जाते हो। क्यों? कहीं बालक की नींद न खुल जाए, कहीं बालक रोने न लग जाए। रात भर माँ ठंड में कांपती रहती है लेकिन बालक को है, बालक को कोई कष्ट ना हो इसलिए माँ बालक के पास में लेटी भी रहती है। ठीक इसी तरह का प्यार भगवान से करो प्यारे। भगवान ने आपको सुख दिया बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपको दुख दिया है तो समझ लेना कि माँ को आज गीले स्थान पर लेटना पड़ रहा है, ये समझ लेना प्यारे। ठाकुर से प्यार करो, एक माँ की तरह प्यार किया करो। भगवान बहुत सुंदर बाल लीला करते हुए बड़े हुए गुरुदेव भगवान के घर गए हैं। राम जी अपने चारों भाइयों के साथ जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ है और जैसे ही जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ प्यारे, भगवान ने अपने तीनों माताओं से भिक्षा मांगा है गुरु जी के घर जाने के लिए। माँ भिक्षा दो, क्योंकि मालूम है जब बालक गुरु आश्रम जाता है तो वह भिक्षा मांग करके ही अपना उदर पोषण करता है। माँ के आंखों में आंसू आ गया लेकिन एक नियम है, एक मर्यादा है प्यारे। माँ कौशल्या ने, माँ कैकेयी और मैया सुमित्रा ने राम जी को बहुत सुंदर भिक्षा में कुछ दिया है, अन्न दिया है। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भैया अपने गुरु जी के साथ चल दिए, गुरु आश्रम चले गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने बहुत सुंदर राम जी को शिक्षा अध्ययन कराया है और अल्पकाल में समस्त विद्या से निपुण हो गए और अब भगवान थोड़ा और बड़े हो गए जी। अब भगवान इस समय अयोध्या में वापस आ गए हैं। भगवान राम के पास विश्वामित्र जी आए हैं राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने समझाया
राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को सुपुर्द कर दिया विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी लेकर के आगे बढ़े। रास्ते में भगवान राम ने तारका का उद्धार किया और कुछ समय तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम पर निवास किए हैं। और मिथिला धाम से एक पत्रिका आई है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ चल रहा है, इसको भी हे विश्वामित्र जी, हे गुरुदेव भगवान, इसको भी आप पूर्ण करावें। श्री विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण से कहते हैं, राघव चलोगे? हमारा यज्ञ तो आपने सफल कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण 6 दिन और 6 रात्रि लगातार जग करके विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल किए हैं। हमारे आपके भी नाम रूपी जप को, यज्ञ रूपी जप को यदि सफल करना है प्यारे, तो राम और लक्ष्मण को अपने जीवन में ले आओ। हमारा आपका भी यह जप रूपी यज्ञ सफल हो सकता है, जिस तरह से विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव चलो अब मिथिला धाम चलो, और वहां पर एक धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको भी पूर्ण करो। राम जी तैयार हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्षि चले मुनिवर के साथा, 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 आश्रम एक दीखे मगे माही, आश्रम एक। चलो प्यारे मिथिला धाम, ऐसे चलोगे? ये मिथिला नगरिया प्रेम नगरिया है, मिथिला में प्रवेश करने के लिए प्यार करना पड़ेगा राम जी से, हैं? और प्रेमी क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है क्या, हैं? मोर जब नाचता है ना तो पंख अपने आप ऊपर आ जाता है, और आप जब ताली बजाते हैं तो हाथ नीचे रहता है क्या? अच्छा, ऊपर आ जाता है। ओ अच्छा, सखियन की अखियन ते ढरक आए लोर, सखियन की अखियन ते ढरक आए लोर, सखियन की अखियन ते ढरक आए लोर, सखियन की अखियन से ढरक आए लोर, एक टकनी रखी जैसे चंद्रमा चकोर, भयो मिथिला में शोर, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए मिथिलापुर की सारी सखियां झरोखे से देख रही हैं। कुछ ऐसे भी मिथिलापुर के लोग हैं जो भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। मिथिलापुर के बच्चे भी भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी शादी करके आई हैं, जो अभी कुंवारी कन्याएं हैं, वो नहीं चल पाई, क्या करें, झरोखे से देख रही हैं। सखियन की अखियन ते धरक आए लोर, ध्यान देना प्यारे, जो भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे ना, उनकी आंखों से आंसू नहीं आया, लेकिन जो सखियां ऊपर से देख रही थी राम जी को,
ये सखियां कौन है मालूम है? ये प्रेमी सखियां हैं, और जो भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं उसमें कोई ज्ञानी है, कोई जो है भगवान के भक्त। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? है? अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु और आर्त। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। जो आर्त है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। भगवान हमारे दुख को दूर करो, भगवान हमें ज्ञान नहीं है हमें ज्ञान दे दो, भगवान हमारे पास धन नहीं है अर्थ नहीं है अर्थ दे दो। लेकिन जो प्रेमी है वो भगवान को देख करके केवल और केवल झूमता है, प्यारे मोर केवल नाचता है। जब भगवान पुष्प वाटिका में गए थे तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका में चार प्रकार के पक्षी आए थे, चातक, कोकिल, कीर और चकोरा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन एक पांचवें प्रकार का भी भक्त है, वो कौन है? वो मोर है। मोर भी आया था। कूजत बिहग नटत कल मोरा, विशेष व्याख्या फिर कभी सुनिएगा। तो जो सखियां ऊपर झरोखे से देख रही थी उनके आंखों से आंसू गिर गया। अरे राम जी कैसे चल रहे होंगे? ध्यान देना प्यारे, ये सखियां केवल आंसू नहीं गिरा रही हैं बल्कि भगवान के मार्ग को सुकोमल भी कर रही हैं। सखियों ने भगवान के मार्ग को सुकोमल करने के लिए मालूम है क्या किया है? रास्ते में फूल बिछा दिया, ऊपर से फूल गिराया है, भगवान का मार्ग सुकोमल बन गया। फूल का एक नाम है सुमन। सुमन का मतलब सुंदर मन। आप भी अपने सुंदर मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो भगवान भी आपसे प्यार करने लगेंगे। प्यारे भगवान आप पर कृपा करने लग जाएंगे। इस सुंदर मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। इस तरह से भगवान नगर भ्रमण किए और उसके पश्चात रात्रि में विश्राम किए हैं। दूसरे दिन सखियों ने भगवान का दर्शन पुष्प वाटिका में किया। पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी का दर्शन किया और सीता जी ने राम जी का दर्शन किया। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। देवी सावधान मन हो, हरि नाम सुमिरन करते हुए कथा श्रवण करें। विस्तार से सुनाया है पुष्प वाटिका प्रसंग भगवान शंकर जी ने। और उसके पश्चात अब आज मिथिला धाम में आए हुए भगवान को दो दिन बीत गया है। तीसरे दिन का प्रातःकाल भगवान गुरुदेव भगवान के आदेश को मान करके जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ पर पहुँचे और सभी लोगों ने भगवान को देखा है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। सबने प्रणाम किया है राम और लक्ष्मण को। सभा बिल्कुल शांत है। सीता जी धीरे धीरे चलते हुए सभा मंडप में पहुंच गई हैं जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। और अब राजा जनक ने आदेश दिया अपने बंदी जनों को, भैया चलो खड़े हो जाओ, जो आज्ञा। हमारे आदेश की घोषणा करो। घोषणा करने के लिए तैयार हो गए। और जैसी घोषणा करने के लिए तैयार हुए तुरंत अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए और क्या कह रहे हैं? ऐ राजाओं सुनो 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 सुनो। क्या सुनो? तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। हाँ बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए। ये देखो भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ है। जो इस धनुष पर
प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ हमारी जानकी का विवाह हो जाएगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा जैसी बंदी लोगों ने घोषणा किया है राजा जनक के आदेश को। राजा सोच रहे हैं कहीं हमसे पहले वो न उठ जाए, क्यों सबसे पहले मैं ही पहुंचूं, मैं धनुष को उठाऊंगा और उसको दो टुकड़े कर दूंगा, प्रत्यंचा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, उठाऊंगा और तोड़ दूंगा। सब चल रहे हैं, हे धनुष उठाने का प्रयास तो किए लेकिन धनुष नहीं उठ रहा है। अंत में 10,000 राजा एक बार में ही उठाने का प्रयास किए हैं धनुष को। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन करहि निटारा। ये भगवान शंकर जी का धनुष है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो 10,000 राजा लगे हैं साथ में, इसका मतलब 20,000 हाथ धनुष के ऊपर लगा हुआ है। तो किसी ने प्रश्न किया कि 10,000 राजा जब तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक साथ में तो धनुष टूट क्यों नहीं रहा है। तो उसका समाधान करते हुए एक संत कहते हैं, धनुष टूटे तो कैसे टूटे भाई, सब पकड़े हुए हैं, एक यहां पकड़ा है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो धनुष टूटे तो कहां से टूटे। धनुष नहीं उठा, धनुष नहीं टूटा। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक बार प्रयास किए धनुष उठाने का, नहीं केवल दो राजा जिनका नाम है सहस मतलब सहस्रार्जुन और 10 का मतलब 10 शीश वाला रावण। इस तरह से जो भी भाव हो प्यारे, ये संतों का भाव है, धनुष किसी से उठा नहीं। और अंत में राजा जनक बहुत व्याकुल हो गए और क्या कहते हैं, अरे राजाओं मैंने समझ लिया। क्या समझ लिए, वीर विहीन मही समझ लिया, यह धरती वीरों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्या बात है जी, वीरेंद्र मुकुटमणि भगवान राम यहां विराजमान हैं और ये क्या बोल रहे हैं, कही जनक जस अनुचित वाणी, ये जनक क्या बोल रहा है। राम जी सारे में कहते हैं, रे लक्ष्मण ये तेरा होने वाला ससुर है, इसको जनक जनक मत बोल, कही जनक जस अनुचित वाणी रघुकुल मणि दान, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्वान रघुकुल मणि जानी, विद्वान रघुकुल मणि जानी, विद्वान रघुकुल मणि जानी। और अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बैठाया, लखन बैठ जा, विलंब हो रहा है क्या, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कर, गुरुदेव भगवान आदेश देंगे तभी हम उठेंगे। और जैसे गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, राघव उठहु राम भंज भव चापा, उठो राम जनक परितापा। जैसे ही राम जी उठे
लक्ष्मण जी अपने पैर को नीचे दबा दिए। राम जी उठे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, अपने पैर के अंगूठे को नीचे दबा रहे हैं। क्यों भैया उठ गए हैं, धनुष तोड़ेंगे, जैसी धनुष टूटेगा पृथ्वी पर भूकंप आ जाएगा, कहीं ये पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी और कहीं हमारे भैया और भाभी, कहीं हमारे सीता और राम जी गिर न जाए। इसलिए देसी कौन जा रहा हूं का मठ आई कोला धरा हूं धरन धर धीरन राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग